Hello students, we are going to do theorem 6.1 today. If two lines intersect each other, then the vertically opposite angles are equal. हमने अपने पिछले लेक्चर में इस रिजल्ट को पढ़ा था, आज उसका प्रूफ करेंगे. लेट्स सपोज, पहले तो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा. लेट्स सपोज ये हमारे पास एक लाइन है और यहाँ पर एक सेकेंड लाइन ले ली हमने. दिस लाइन इज ए बी एंड दिस लाइन इज सी डी. ठीक है जी, इसमें हमारे पास गिवन क्या है? वी आर गिवन टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स, टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स ए बी एंड सी डी. प्रॉपर कैसे आपने एग्जाम में लिखना है मैं उसी तरह से लिख रहा हूँ. एक एक स्टेप ध्यान से देखिएगा. टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं? देखिए, एक तो ये मान लो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पॉइंट पे. टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स ए बी एंड सी डी हमें गिवन है, ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं. प्रूफ क्या करना है? एंगल ए ओ डी, ये ए ओ डी एंगल इक्वल बी ओ सी, एक तो ये प्रूव करना है. और सेकंड क्या प्रूव करना है? एंड दूसरा प्रूव करना है जी, इधर वाला भी, ये जो ए ओ सी एंगल है, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी. ठीक है जी, ये हमें प्रूव करना है. अब प्रूफ देखिए किस तरह से इसे हम प्रूव करेंगे. प्रूफ में सबसे पहले तो ये देखिए, हमने पढ़ा था, ये देखो ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है ना. स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये ओ डी एक रे है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिला के इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री. ये हमने एग्जाम पढ़ी है पिछले लेक्चर में. लिखेंगे कैसे? हम लिखते हैं हेयर ए ओ बी. ये पूरी ए ओ बी क्या है? इज अ स्ट्रेट लाइन. ये स्ट्रेट लाइन है, देयर फोर एंगल ए ओ डी प्लस बी ओ डी, ये ए ओ डी ये बी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री. और इसका रीजन हम क्या लिखेंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, या सिर्फ लीनियर पेयर एंगल्स भी लिख सकते हैं. इसका और इसका सम 180 डिग्री है, इसे हम नंबर वन सपोज कर लेते हैं. अब इधर से देखो, सी ओ डी भी तो एक स्ट्रेट लाइन है. ऑल्सो सी ओ डी इज अ स्ट्रेट लाइन, सी ओ डी भी स्ट्रेट लाइन है. देयरफॉर इधर से देखा जाए तो सी ओ डी के ऊपर ये ओ ए रे है, तो ए ओ सी एंगल प्लस ए ओ डी एंगल, इन दोनों का सम क्या होगा जी? 180 डिग्री. रीजन सेम, क्या रीजन है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, तो लीनियर पेयर एंगल्स हो गया. इसे मान लीजिए नंबर टू. अब इक्वेशन वन और इक्वेशन टू हमने सपोज कर लिया है. फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू हमने क्या करना है? अब इसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जब हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लिखेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन भी 180 के इक्वल है, सेकंड इक्वेशन भी 180 के इक्वल है. आगे करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड. ये जैसे 180 के इक्वल है ना, ए ओ डी प्लस बी ओ डी इट इज इक्वल टू ए ओ सी प्लस ए ओ डी. राइट, अब देखो ए ओ डी से ए ओ डी कट गया, बचा क्या? एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी. अब बी ओ डी कौन सा है? देखो ये बी ओ डी है, ये ए ओ सी है. देयरफॉर अब चाहे बी ओ डी इधर लिखो, ए ओ सी इधर लिखो, एक ही बात है. तो ए ओ सी किसके इक्वल आ गया? बी ओ डी के. हेंस प्रूव्ड
एक पार्ट प्रूव हो गया, राइट ये पार्ट हमारा सेकंड हमने प्रूव कर लिया। आगे दूसरा पार्ट भी सिमिलरली प्रूव हो सकता है, करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हैं सिमिलरली वी कैन प्रूव। क्या प्रूव कर सकते हैं, ये जो एओडी है इट इज इक्वल टू बीओसी। तो इस तरह से इजीली वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स को इक्वल प्रूव किया जा सकता है। आई होप ये थ्योरम आपको समझ आ गई होगी, ये थ्योरम आगे बहुत यूज़ होगी, इसे अच्छे से इसका प्रूफ समझ लेना है, हाथ से एक बार करने की प्रैक्टिस जरूर करनी है। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल।